किसके जरिए इस्तेमाल है सर? ये डीजी साहब। अभी डीजी साहब आए हुए हैं? वाईफाई है सर। डीजी साहब के जाती मुलाजिम है या गवर्नमेंट के मुलाजिम है? सर हम तो गवर्नमेंट के मुलाजिम। तो डीजी साहब की वाइफ को लेके फिर रहे हैं? सर हम तो हुक्म के पाबंद हैं हम। आप कभी खुद इस ब्रांड में शॉपिंग करने आए हैं? तो आए पहली दफा। इधर 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 एना एना नहीं लेना है, लेना है एना देना कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ सर। आप ड्राइवर हैं सर, मुझे पता आप मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई हैं, बेफिक्र हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकबाल है। इकबाल साहब गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं? जी सर। कौन से इदारे से हैं? सर मैं औकाफ से। औकाफ से हैं। ये गाड़ी किसके जरिए इस्तेमाल है? सर ये डीजी साहब। डीजी साहब के? अभी डीजी साहब आए हुए हैं? वाइफ आई है सर। डीजी साहब की वाइफ आई है। आप डीजी साहब के जाती मुलाजिम है या गवर्नमेंट के मुलाजिम है? सर हम तो गवर्नमेंट के मुलाजिम। तो डीजी साहब की वाइफ को लेके फिर रहे हैं? सर हम तो हुक्म के पाबंद हैं हम तो जैसे वो। ये अच्छा अल्फन, आप बहुत शरीफ आदमी, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे जैसे हैं। जी बिल्कुल। आप कभी खुद इस ब्रांड में शॉपिंग करने आए हैं? तो आए पहली दफा हूं यहां पर। हमें अंदर जाने देंगे? हमारी तनख्वाह में अंदर से कोई चीज आ सकती है? नहीं सर, सवाल ही पैदा। और डीजी साहब की वाइफ को आप कितने बजे लेके फिर रहे हैं? टाइम तो है सर, अभी लेकर आए 5 मिनट। टाइम जरा बता दें क्या हुआ? 4 बजे। 4 बजे है ना? आपकी वैसे क्या गवर्नमेंट ड्यूटी आवर्स है? सर मेरी गवर्नमेंट ड्यूटी है सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे। 5 बजे तक अभी आप मतलब कि गवर्नमेंट ड्यूटी पे हैं? जी सर। और गवर्नमेंट ड्यूटी पे आप डीजी साहब की अहलिया को शॉपिंग करवा रहे हैं? ना गाड़ी खराब हो गई थी, मैं लेके यार इनकी गाड़ी खराब होगी, ये मेरा, ये आपकी गाड़ी है, ये मेरी गाड़ी है, ये आवाम की गाड़ी है। नहीं इनकी वो अपनी गाड़ी है। फिर भी मेरी गाड़ी खराब होगी, मुझे ऑफिस छोड़ा। तो वो कह रही थी कि भाई ले चले गाड़ी। गलत कर रही है अब वो तो। अब ये आपने, आप शरीफ आदमी, मुझे पता है आप सच बोलेंगे झूठ नहीं बोलेंगे। क्या ये पहली बार गाड़ी आई है? पहली बार नहीं आई मुझे पता, यहाँ पहली बार आई। यहाँ तो पहली बार आई है, लेकिन पहली बार लेकर आया हूँ। पहले भी ये जाती काम पे इस्तेमाल होती है? नहीं सर। ये गवर्नमेंट की गाड़ी है, ये गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है जिसको डीजी साहब अपने बाप के मुलाजिम के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और डीजी साहब खुद भी नहीं आए हुए, डीजी साहब की अहलिया लेके इन्हें उस ब्रांड पे आए हैं जिसके अंदर गार्ड हमें जाने ना दे। वो देखें बाहर गार्ड गड़ा हुआ है, हमें अंदर नहीं जाने देंगे। ये वो दुकानें हैं कि अगर मैं इन कपड़ों में भी अभी जाऊँ ना तो मुझे अंदर नहीं जाने देंगे, कहेंगे चले भाई निकले बाहर। ये मामलात हैं इकबाल साहब। चलें, ये जो आप यहाँ पे इस वक्त जो ड्यूटी पे हैं, ये तो डीजी साहब ने भेजा। ये ज़रा शीशा थोड़ा सा नीचे कर लीजिएगा, ये तो आपको भेजा डीजी साहब ने। डीजी साहब ने भेजा? क्या कहा आपको? मैं गया था बच्चे लेने के लिए। तो डीजी साहब के बच्चे लेने? हाँ, स्कूल से। पाजी की ना गाड़ी खराब हो गई। डीजी साहब के बच्चे स्कूल से लेने? वो लेती वही है, वो आज गाड़ी इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा आज अभी? माशाल्लाह क्या बात, आज आप सुबह डीजी साहब के बच्चे भी लेके आए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताएं कि आपकी गाड़ी रोड के दरमियान में खड़ी है, बाकी गाड़ियां फिर भी अंदर खड़ी हैं, क्या इस वजह से कि गवर्नमेंट गाड़ी है? जगह नहीं थी भरा हुआ, फिर भी गवर्नमेंट। और ये घुसने भी नहीं देते फिर ऊपर से गाड़ी। इन्हें बताएं कि डीजी साहब की गाड़ी है, वो अंदर जाती है? नहीं, इन्हें बताएं डीजी साहब की गाड़ी है, ये देखना आपको अंदर लेके जाते लगाने। आज आपने सारा दिन में क्या क्या किया? एक तो डीजी साहब के बच्चे पे किए हैं, बाजी को शॉपिंग करा रहे हैं, और क्या किया? डीजी साहब को घर लेकर आऊंगा। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन, इन्होंने आज इस गाड़ी में, जो कि सरकार की मलकियत है, वो सरकार का मुलाजिम है, लेकिन आज के दिन के लिए वो जो डीजी साहब हैं उसको अपने ज़ाती मुलाजिम की हैसियत से इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले वो स्कूल से बच्चे लेके आए, ये उसने मुझे खुद बताया, और अभी वो भाभी को शॉपिंग करा रहा है। मुझे तो इस ब्रांड का नाम नहीं पता, लेकिन उसका इतना बड़ा दरवाज़ा लगा हुआ है कि मैं बैंक में घुस सकता हूँ, यानी कि अगर कोई मुझे सहूलत चाहिए, लेकिन मैं इस इधर से कोई सहूलत नहीं ले सकता। उन्होंने कहना बेटा आपके कपड़े इतने अच्छे नहीं हैं, तो इस वजह से हमें पता लग रहा है कि आपके पास इतने पैसे नहीं होने कि आप यहाँ से कोई मोज़ा ही ख़रीद लें, तो आपको अंदर आने की इजाज़त नहीं है। अब नाज़रीन ये देखें कि ये एक बड़ी लग्जरी कार है, और इसका नंबर है GAA 444, और इस कार की अगर कीमत बताई जाए तो ये तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ रुपये इसकी कीमत है, और ये इस वक्त लिबर्टी मार्केट में खड़ी हुई है। अभी 4 बजे का टाइम है, जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं उसमें जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, नॉर्मली जो 9 to 5 शिफ्ट होती है, और उस शिफ्ट के दौरान अभी ये खड़ी हुई है। और यहाँ पे सिर्फ एक गाड़ी नहीं खड़ी हुई, ये देखें ये सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी है, ये देखें लिबर्टी मार्केट में खड़ी है, शॉपिंग में आए हुए हैं। ये देखें अंदर कोई गवर्नमेंट के वो डॉक्यूमेंट्स भी पड़े हैं, क्या लिखा हुआ है? स्पेशल कोड सेंट्रल की, अब कोई उनकी फाइल्स पड़ी हुई हैं जो गवर्नमेंट फाइल्स हैं।
गाड़ी का नंबर है LE445, इसमें भी ड्राइवर मौजूद नहीं है और 4 बजे का टाइम है। इस गाड़ी को नॉर्मली ऑफिस में होना चाहिए था, सरकारी गाड़ी है तो यहाँ पे सरकार का काम कर रहा होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे लिबर्टी मार्केट में खड़ी हुई है और ये वही शॉपिंग वाला मामला है। आपने देखा कि किस तरह से ड्यूटी आवर्स में साहब की जो फैमिली है उनको शॉपिंग करवाई जा रही है। सबसे पहले ये पढ़ें, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब BRA 13/28/2008 मॉडल है और ये इसमें कुछ साहब बैठे हैं, शीशे भी ब्लैक है। सलाम अलैकुम, एक मिनट शीशा नीचे करेंगे, शीशा नीचे कीजिए, शीशा नीचे कर रहा। क्या नाम है आपका? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है? जी। ड्राइवर है? जी ड्राइवर। ये गाड़ी किसके जरिए इस्तेमाल है? हेल्थ डिपार्टमेंट की है। कौन सा डिपार्टमेंट है? अच्छा, कि क्या क्या, अच्छा ठीक है। ये किन साहब के जरिए इस्तेमाल है? ये क्या नाम है, स्पेशलिस्ट कैडर है उनके। क्या नाम बता दो? ऊंचा बोल देना, सफा आबिद। तो यहाँ पे कोई आप लोग कोई काम के सिलसिले में आए, शॉपिंग के लिए आए, क्या करने हैं? किसको लेके आए हैं आप? मैडम साथ हैं यहाँ पे लिबर्टी मार्केट में, ऐसा क्या हो गया? काम बढ़ गया इसलिए। यहाँ पे तो सारे ब्रांड्स ही हैं जी। अभी मैम मौजूद है? वो अभी आ जाती। अच्छा, अभी आ जाती हैं। ये देखें नाज़रीन, ये एक और गाड़ी है। आपकी वैसे ड्यूटी आर्ट क्या है? 9 to 5 जी। आप ड्यूटी पे ही हैं ना? आप ड्यूटी पे ही हैं। ये देखें नाज़रीन, ये अब लिबर्टी चौक में ये गाड़ी खड़ी हुई है लिबर्टी मार्केट में और गवर्नमेंट नंबर प्लेट है और जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको अपने ज़ाती मुलाजिम की हैसियत से इस्तेमाल किया जा रहा है और वो ज़ाहरी बात है कि उसने जो डॉक्टर साहब हैं उनका भी भरम रखना है। यहाँ पे ये देखें, ये सब ब्रांड्स हैं और ये यहाँ पे जो पार्किंग है ये सब उन गाड़ियों के लिए है जो आप यहाँ पे शॉपिंग करने आए, तो यहाँ पे क्योंकि मार्केट के अंदर गाड़ियाँ नहीं जाने देते तो वो यहाँ पे सारी पार्क होती हैं। अभी इसी तरह और भी आपको गाड़ियाँ दिखाते हैं नाज़रीन। अब ये देखें, ये एक और सरकारी गाड़ी है, GAC 561 इस्लामाबाद का नंबर लगा हुआ है, गवर्नमेंट की गाड़ी है और एक तो पहले ये पार्क नो पार्किंग एरिया में है और आप ये देखें कि यहाँ पे ऐसा कौन सा गवर्नमेंट का काम करने ये आए हुए हैं कि जहाँ पे इर्द गिर्द ज्वेलरी की शॉप्स हैं, यहाँ पे चूड़ियों की दुकान है, दुपट्टों की दुकान है, लैसों की दुकान है और ये यहाँ पे नो पार्किंग एरिया में एक तो लगी हुई है। पता नहीं जो साहब लेके आए हैं वो कहाँ पे हैं, वो शायद जो शॉपिंग करने आए उसमें भी हेल्प कर रहे हों कि कौन सा कलर बेहतर है, कौन सा कलर बेहतर नहीं है। ये देखें, ये हमारी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं कि एक तो हम लोग महंगाई के मारे हैं, घर के किचन चल नहीं पा रहे, परेशानी का आलम है, मुल्की मीशत आप लोगों के सामने है और उस पर ये लोग बोझ हैं कि ये देखें अभी तकरीबन 4:15-4:30 का टाइम है, इस गाड़ी को ऑफिस में होना चाहिए था या सरकार के काम करवा रहे होना चाहिए था। ये यहाँ पे खड़ी जो जिन साहब को मिली हुई है उनकी फैमिली की जो है वो शॉपिंग करवा रही है और ये देखें, उसे पता कि मैं सरकारी गाड़ी हूँ, मुझे ना तो किसी ने कोई यहाँ पे चलान करना है ना किसी ने मुझे यहाँ से आगे हिलाना है, तो वो यहाँ पर नो पार्किंग एरिया में लगा के गए हुए हैं। अभी इनका इंतज़ार भी करते हैं कि अल्लाह करे वो आ जाए, उनसे पूछें कि भाईजान ये आपकी जाती गाड़ी है या ये कुछ सरकार की गाड़ी है? सरकार की गाड़ी है तो सरकार के कामों में इस्तेमाल करें, आप लेके क्यों फेर रहे हैं? मोहसिन नकवी साहब से दरख्वास्त करेंगे कि जो सरकारी गाड़ियां दी गई हैं, जो सरकारी पेट्रोल दिया जाता है उसका एहतसाब भी करें कि कौन जो अफसरान है उसको कहां कहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं। मौशियत का जो हाल है, आप इन्हीं चीज़ों को अगर कंट्रोल कर ले तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। गरीब आवाम को एक अच्छा तासुर तो जाएगा कि देखें यार अगर आप परेशानी में है ना तो यहाँ पे याशी कोई नहीं कर रहा।